हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ टाटा इंट्रा B30 पिकअप बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग टाटा इंट्रा B30 पिकअप खरीदना है अभी के समय में, एक्यूरेट का ऑन रोड प्राइस, नेक्स्ट रोड प्राइस और उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग इस गाड़ी को फाइनेंस में निकालना है, डाउन पेमेंट, लोन अमाउंट में कैलकुलेट करके आप लोगों को बताऊंगा। अगर इस पिकअप का जो भी स्पेसिफिकेशन का, तो सारी बातें इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को पसंद आने पर लाइक कर देना, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर देना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिकेशन बारे में बात कर लेते हैं। इंजिन होगा 1496 सीसी, मैक्स पावर होगा 70 HP एट 4000 RPM, मैक्स टॉर्क होगा 140 न्यूटन मीटर एयर दैट 1800 RPM। फ्यूल टाइप होगा डीजल। फ्यूल टैंक कैपेसिटी होगा 35 लीटर। टॉप स्पीड होगा 80 किलोमीटर पर आवर। माइलेज होगा 14 KMPL माइलेज देखने को मिल जाएगा। गियर बॉक्स होगा 5+ वहाँ रिवर्स गियर देखने को मिल जाएगा। GPW होगा 2565 kg। पेलोड कैपेसिटी होगा 1300 kg। दोस्तों, इस गाड़ी के एक्सरूम प्राइस होगा 8,74,000। RPO प्लस इंश्योरेंस आधा चार्ज सोवे टैक्स मिला के इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस होगा 9,52,000। आपके पास बजट को में तो फाइनेंस में निकालना है, डाउन पेमेंट आपका 1,90,000, लोन अमाउंट कौन था 7,62,000। अगर जिस कंपनी से फाइनेंस कर रहे हैं, इस कंपनी को रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, मैंने उसका टाइम लिया 60 मंथ IPR के लिए। पर मंथली ईएमआई निकल कर आएगा 15,800 rupees पर मंथली पे करना कंपनी को। दोस्तों, अगर आप लोग 7 ईयर के लिए फाइनेंस करना है तो पर मंथली ईएमआई निकल कर आएगा 12,200 rupees पर मंथली पे करना कंपनी को। दोस्तों, अगर आप लोग इस गाड़ी को आधा सीढ़ी से खरीदना है, आप लोग नीचे कमेंट कर सकता है, मैं कमेंट का रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूंगा। वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।